गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल एस आर ब्लॉग्स। और मैं सुजीत, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप सभी का स्वागत करता हूं नए ब्लॉग में, जो कि अपना राइडिंग ब्लॉग है। मैंने आप लोग से कहा था कि हमारी राइडिंग एक बार शुरू हो गई तो फिर वो चलती रहेगी, और आज जो है वो KTM का ऑरेंज डे राइड है और हम यहाँ पे आ गए अपने राइड के लिए। थोड़ी सी मेरी आवाज ही ऐसी थोड़ी स्लो आएगी आप लोग को, बट कॉम्प्रोमाइज कर लेना क्योंकि मैं ज्यादा लाउड बोल नहीं सकता, यही मेरी नॉर्मल वॉइस है। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो प्यार दिया मेरे लास्ट ब्लॉग में, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा ब्लॉग बनाने में और अपलोड करने में। हम जो जहाँ जा रहे हैं वो है मनोर, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, 90 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर है नहीं, मतलब 1-1.5 घंटे में हम लोग टच हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हमको मिलने वाला है दहीसर का ट्रैफिक, तो बट मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ट्रैफिक ना मिले यार, वो ट्रैफिक मिल गया ना बॉस तो हालत ख़राब हो जाएगी, और हम जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो रिटर्न आने में भी इजी होगा, क्योंकि धूप फिर चढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होने का और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, तो धूप से भी हमको बचना है। तो सीन कुछ ऐसे ही है कि अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, सबका डिटेल फिल हो चुका है, क्योंकि आपको पता है अगर आप ऑरेंज राइड पर जा रहे हो तो आपको अपनी डिटेल जमा करनी होती है, तो डिटेल फिल हो चुका है। कुछ फेलो राइडर का और वेट हो रहा है, 10-15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग, और मैं आप लोग से अब मिलूँगा सीधा मोटो ब्लॉगिंग। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अगेन SR व्लॉग। मैंने कहा था मैं आपसे जल्दी मिलूंगा मोटो व्लॉगिंग के थ्रू, और हमारी राइड अब फ्लैग होने वाला है। सामने मोहित सर जो कि ओनर है हमारे आहूजा KTM के, ऑलमोस्ट 20 राइडर है, ज़्यादा राइडर नहीं है, बहुत लिमिटेड बंदे हैं, और अच्छी बात है लॉकडाउन भी है, ज़्यादा बंदे नहीं है, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ होने वाला है। तो लेट्स गो, और चलो 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 चलो, और ये राइड की स्टार्ट हो चुकी है और हम मिलेंगे सीधा आप लोग से। गुड, द राइड विल स्टार्ट नाउ, और मज़ा आएगा अभी दोस्त, राइड हो रही है शुरू और सारे राइडर फ्लैशर ऑन करते हुए, तो लेट्स गो। Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line. तो सीन ऐसा है कि सुबह से बारिश हो रहा था, ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं किया, और अभी बारिश थोड़ा रुका हुआ है, मौसम क्लियर हुआ है, तो सोचा क्यों ना कुछ वीडियो बनाया जाए। और अभी बस फ़ोन उठाया मैंने, ट्राईपॉड सब कुछ अंदर है, और मौसम क्लियर है तो मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे। इधर रुके थे हम, ब्रेकफास्ट किए फूड प्लाजा पे, सिल्वर माइल सर्के हाईवे पे ही अपना, आगे चारोटी टोल लाका है उससे पहले ही है, और हमारे फैलो राइडर जितने भी थे सारे निकल चुके, घर जा चुके। मैं अभी आप लोग से मिलूँगा मोटो ब्लॉगिंग के थ्रू, मौसम साफ हुआ है, वीडियो अच्छी बनेगी, क्वालिटी वाली बनेंगी, तो चलो वीडियो बनाते हैं। आपका कितना किलोमीटर चलेगा? 2234। तो 1000 किलोमीटर पे कुछ कराया था क्या आपने? फर्स्ट सर्विसिंग का होता ना? नहीं, फर्स्ट हाँ RPM खुलवाते हैं ना। हाँ तो मेरा नहीं खोला अभी, तो उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा मतलब RPM खुल जाता तो थोड़ा और अच्छा गाड़ी भागेगा, और कुछ नहीं होता। हाँ वही मैं बोला, वो मेरे को बोला था 1000 किलोमीटर के बाद होगा। तो करवाया नहीं था क्या? नहीं खोला, खुलवाना चाहिए था। फर्स्ट सर्विस में खुलता है ना? नहीं, फर्स्ट सर्विस 700 का था, 750 के, वो 1000 के बाद खोलते हो ये। चलो 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 चलो, गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो बॉस, लेट हो जाएगा ना, तो चलो। और अब जाके दिन हुआ है क्लियर, तो मैंने कैमरा किया है ऑन, क्योंकि सुबह से कैमरा था बंद, क्योंकि अपने को चांस ही नहीं मिल रहा था कुछ व्लॉग करने के लिए। और अब हम लोग ले रहे हैं अंडरग्राउंड ये टनल से यू टर्न,
So, अभी हम कर रहे हैं बाइक एक्सचेंज, बाइक ही चलाएंगे 390। और ये अपना पहला जो मॉडल था ना, हाँ ES4, हाँ 2015 का मॉडल है विद स्लीपर क्लच। अच्छा ABS ABS की है, है ना। ठीक है चलाते थोड़ा देर तक, देखते हैं। मेरे को इसलिए ट्राई करना है, हाँ हाँ, तो मैंने हाईवे पे ट्राई नहीं किया, मैंने ऑफ रोडिंग पे ट्राई किया। अच्छा 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 ठीक है चलाओ ना। तो अभी हमने कर ली, हाँ हाँ ठंडी है, ठंडी है। प्रॉब्लम क्या है, अंडर एयर भी हिला हो गया वो प्रॉब्लम। चलो हाँ तो हम आ गए अपनी ड्यूक 390 हाई की गाड़ी पे। सर छोटी लग रही गाड़ी चलाने में, बट कोई बात नहीं, खींचेंगे इसको। और भाई चला रहे मेरी 390 एडवेंचर, उनको ट्राई करना था कि गाड़ी कैसी है। और ये गाड़ी मुझे बचकाना लग रही है हाथ में, मेरे ऐसा लग रहा है कुछ छोटी सी खिलौना चला रहा मैं। पावर तो है भाई इसमें भी, ड्यूक है तो पावर है, बट थोड़ा सा पोजीशन में अजीब लग रहा है चलने में। ओ हो पिकअप है भाई, पिकअप है। तो हम तो पहुंच गए भाई अपने एरिया में, लेफ्ट में है शायद चाय वाला। यहाँ पे आज संडे है ना, बहुत सारा बंद रहेगा, चाय वाले बंद है, सब बंद है यार। किधर जाएंगे, बंद है चायों का सब। अंदर देखते क्या थोड़ा। तो तीन मिस कॉल है भाई, किसका है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के तो पास, बस घर आ गया मेरा नज़दीक। और हम करेंगे ये वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा तो गाइस करना क्या है, सब्सक्राइब, और चैनल को करना है, वीडियो को करना है लाइक, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। तो अब मैं आप लोग से मिलूँगा अपने नेक्स्ट राइड में, और इंटरटेनमेंट मिलेगा फुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड में गाइस, तब तक के लिए बाय, सी यू सून। सब आखिर दोस्त को करते हैं अपने बाय, और हम भी इनसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट राइड में। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके गुड बाय।